हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू के बारे में सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। और जो नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू का जो अभी का एग्जाम है वो 31 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसका इंटरव्यू की लिस्ट कब तक आ सकती है या फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है, फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने लोगों का इंटरव्यू में नाम आ सकता है और कौन से लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 2020 का। तो 2020 में क्या हुआ था कि जो एग्जाम हुआ था वो 27 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद जो इंटरव्यू की लिस्ट आई थी 21 जनवरी को, यानी कि अबाउट टू बी 24 डेज बाद इंटरव्यू की लिस्ट आ गई थी। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 4 मार्च को आया था, यानी कि इंटरव्यू की लिस्ट आने के 12 डेज बाद, 12 दिन बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो ये पूरे प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं टोटल 36 डेज लगे थे 2020 में। इस बार का जो एएमयू का नाइन्थ एंट्रेंस का एग्जाम है वो है 31 अक्टूबर को। तो जहां तक हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो इसका इंटरव्यू का लिस्ट है वो 25 नवंबर को आ सकता है, 25 नवंबर के पहले आ सकता है इंटरव्यू की लिस्ट। और इंटरव्यू की लिस्ट के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अबाउट टू बी 10 दिसंबर के पहले पहले आ सकता है फाइनल रिजल्ट 9th एंट्रेंस एएमयू का। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन से लोगों का नाम आ सकता है इंटरव्यू की लिस्ट में। तो अगर मार्क्स किसी के 65 प्लस आते हैं तो उसके 100% चांसेस रहेंगे कि उसका नाम इंटरव्यू में आ सकता है। अगर 60 प्लस आ रहे हैं किसी के तो उसके भी चांसेस रहेंगे कि इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो पाएंगे और कौन से लोग नहीं हो पाएंगे। तो अगर बात की जाए कि इंटरव्यू में नाम तो आ जाएगा, 60 प्लस जिसका रहेगा उसका नाम आ जाएगा, 65 प्लस का तो आ ही जाएगा। और लेकिन अब बात ये हो जाए कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ सकते हैं तो फिर सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर किसी के मार्क्स 60 या 65 रहते हैं तो उसको फिर क्या करना होगा कि इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, वो भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा कि इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो अगर आपको शुरू से ही सेफ साइड रहना है तो आप ये करें कि रिटेन में कम से कम 70 प्लस लेकर के आए ताकि आप आसानी से सेलेक्ट हो सकें।